हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिला तरन तारण के हलका बाबा बकाला के अधीन पेंदे पिंड जलालाबाद तो, जिथे एक पशुओं के हस्पताल नाल जुड़ी खबर सामने आई है। तस्वीरां जो तुसी ये देख रहे हो, ये तस्वीरां किसी खंडर दियां नहीं, यही पशुओं के हस्पताल दियां हन जिसकी असी गल कर रहे हाँ। इन्ना ही नहीं, इस हस्पताल दे विच ना ही कोई बुनियादी सहूलत है अते ना ही कोई आउण जाण लई रस्ता है। होर हैरानीजनक गल यह है कि 12 साल बाद इस हस्पताल दे विच डॉक्टर तैनात होया है। इस मामले संबंधी वधेरे जानकारी दिंदे हुए पिंड वासियां ने की दस्या है, आओ सुनदे हां। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह जी, की कहना चाहोगे, तुहाडा जिहड़ा वैटनरी हस्पताल है, वह खुद ही बीमार लग रहा जी। हाँ जी, पूरी तरह बीमार आ, इस वक्त वर्टीनेटर से लगा पिया वा। तुम हालत तुहानू सारी विखा दिती आ। 12 साल बाद डॉक्टर साहब इतने साढ़े आए, अं धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का भी, सरकार का भी, कि डॉक्टर साहब भेजे, लेकिन इतने बहन में जगह नहीं। डॉक्टर साहब खुद डरते रहेंगे भी पता नहीं किहड़े वेले तो सप्प निकल के मैनूं लड़ना। ना पानी का प्रबंध, ना बिजली का प्रबंध, ना ही रस्ता है। और तुहानू विखा चुके हैं सारा ही कि प्लाट जिहड़े कट्टे गए, कब्जा किया जा रहा। सन 1962 का हॉस्पिटल बनया और कुछ निजी बंदियां वल्लों इत्थे कब्जा किया जा रहा। असीं सरकार को मंग करते हैं धारीवाल साहब लालपुर साहब तो कि जिहड़े लोगों के नजायज़ कब्जे तुसीं सरकार दे जमीनां दे छुड़ा रहे जी, ये भी साडा जिहड़ा वा कब्जा छुड़ाया जाए तो सानूं सरकारी हॉस्पिटल चालू करके वधिया हालत दित्ता जाए। असीं इहनां दे धन्नवादी होणे। होर एक दो। हाँ जी बच्ची, की नाम तुहाडा? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह जी, की कहना चाहोगे, तुहाडा जिहड़ा वैटनरी हस्पताल है, वह खुद ही बीमार लग रहा जी। हाँ जी, पूरी तरह बीमार आ, इस वक्त वर्टीनेटर से लगा पिया वा। तुम हालत तुहानू सारी विखा दिती आ। 12 साल बाद डॉक्टर साहब इतने साढ़े आए, अं धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का भी, सरकार का भी, कि डॉक्टर साहब भेजे, लेकिन इतने बहन में जगह नहीं। डॉक्टर साहब खुद डरते रहेंगे भी पता नहीं किहड़े वेले तो सप्प निकल के मैनूं लड़ना। ना पानी का प्रबंध, ना बिजली का प्रबंध, ना ही रस्ता है। और तुहानू विखा चुके हैं सारा ही कि प्लाट जिहड़े कट्टे गए, कब्जा किया जा रहा। सन 1962 का हॉस्पिटल बनया और कुछ निजी बंदियां वल्लों इत्थे कब्जा किया जा रहा। असीं सरकार को मंग करते हैं धारीवाल साहब लालपुर साहब तो कि जिहड़े लोगों के नजायज़ कब्जे तुसीं सरकार दे जमीनां दे छुड़ा रहे जे, ये भी साडा जिहड़ा वा कब्जा छुड़ाया जाए तो सानूं सरकारी हॉस्पिटल चालू करके वधिया हालत दित्ता जाए। असीं इहनां दे धन्नवादी होणे। हालत तो बहुत मंदी है जी, इतने ना तो कोई दवाई हैगी है, ना कोई अपने डंगर इतने चैक कराने वास्ते ना कोई प्रबंध हैगा। डॉक्टर साहब आए आ तो पर गवर्नमेंट वालों कोई दवाई नहीं आई हाले तक, तो डंगर जिहड़े बहुत मर रहे आ बीमारी के नाल, जिहड़ी नवीं बीमारी आई आ। तो असीं सरकार को मंग करते हैं कि दवाइया भेजिया जाण ते बाकी प्रबंध भी ठीक किए जाण। हस्पताल की स्थिति तो बहुत वधिया है पहलों, पर हुण तो बहुत ही माड़ी है। चार सवेरे ना कोई रस्ता है वा, ना कोई पानी का प्रबंध है वा, ना कोई जंगले का प्रबंध आ। डॉक्टर साहब आए आ, कोई बिजली का प्रबंध नहीं है। तो चार सवेरे सारे घा ही घा वा, लंघन में कोई रस्ता नहीं है। जोड़ा मेन गेट वा वो पानी खड़ोता वा। किन्ने चिर बाद डॉक्टर साहब की पोस्टिंग हुई जी? 12 साल बाद। की मांग करते सरकार तो? मांग करते कि चालू किया जाए वधिया हालत, जिस तरह पहलों चलता है अज तो 20-25 साल पहलों, तो उस तरह इन्हों दोबारा चालू किया जाए। इस हस्पताल विच जो डॉक्टर तैनात हुए हैं उन्होंने अपने अखी आके की मंजर वेख्या, उन्होंने अपने पक्ष तो की जानकारी सांझी की है, आओ सुनते हैं। देखो जी, जिहड़ी हालत खस्ता की गल आ, पहला तो 12 साल जिहड़ी अपना अपना सरकारी संस्था हैगी आ CVH बंद रहा, उहदा कारण करके मतलब गवर्नमेंट चलो भर्ती करती रही हुंदी रही समय दीआं सरकारां। कारण यह होगा भी जिदा मान लो भी गांह सिस्टम चल रहा, मुलाजम आपां अपने ज़्यादा नेड़े दे लगे हुए ने, ठीक है। तो मैं कहना भी अपना कोई भी डॉक्टर आ जां किसी भी सरकारी संस्था दा मुलाजम लागे चाहिए, तो वो तां ही लोगों नूं लागे रह के सहूलतां दे सकदा। सो हुण मतलब इत्थे 12 साल बाद मेरी पोस्टिंग हुई आ। सो ये हुण अपना पिंड वाले ने मुद्दा चुकिया, बहुत चंगी गल, मैं धन्नवाद करदा सारिआं दा कि जिहड़ी संस्था वा जिहड़ी प्रॉपरली मतलब जिहड़ी रिपेयर होनी चाहीदी आ, जो सरकारी अपना CVH दे विच जो आपां एक मुलाजम नूं लोड़ हुंदी आ, वो इत्थे अवेलेबिलिटी होनी जरूरी आ जी। तुहाडे इत्थे कीहड़ी कीहड़ी अवेलेबिलिटी हैगी आ? ते इत्थे सिर्फ मेरी अवेलेबिलिटी आ जी, फिलहाल इत्थे कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं हैगी। ना इत्थे पानी हैगा जी, जिहड़ी मुलाजम नूं 24 घंटे पानी दी लोड़ आ, क्योंकि जे इत्थे पशु आउंदा जां कोई डॉग लै के आउंदा हॉस्पिटल दे विच, उहदे विच वी मान लो आपां मालक मन के चलो पशु की पीड़ी करते हैं, उत्थे सानूं पानी की लोड़ आ, ठीक है। साबण लवेंगे वो हाथ गिला करांगे फिर पशु की पीड़ी होनी, मतलब जो मेन प्लस पॉइंट पानी आ, ते कुछ भी नहीं हैगा फिलहाल, इत्थे कल्ला मैं ही हाँ जी। पशु दे बनण वास्ते जिहड़ा जंगला हुंदा अवेलेबल हैगा? कुछ भी नहीं हैगा जी, इत्थे सारा ही कुछ हैगा ही। ये पंजाब का, ठीक है, ये पंजाब का उन्हां हस्पतालां दे विचों हॉस्पिटल आउंदा ही,
कि नंबर वन इतने सारे सर्जिकल जिन्हें इंस्ट्रूमेंट सारे है सारा ही समान चोरी हो गया जी। इतने इतने ब्याज दिन लकड़ा के टेबल बने हुए थ अलमारियां मतलब ए तो जड़ सारी इतने अवेलेबिलिटी हैगी ही बट वो सारा ही समान चोरी हो गया जी। इतों तुम की मांग करते जो सरकार असी सरकार यो मांग कर रहे नवी सरकार सत्ता चाहिए चार महीने चलो सरकार का आप दोष नहीं कर सकते ठीक है। पहलियां सरकार सत्ता ही रही ठीक है किसी के मतलब निगरानी हेठ केस नहीं रहे। सो असी अपना पंजाब के मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी को बेनती करते हैं और डिपार्टमेंट के मंत्री सरदार लाल जी सिंह भुल्लर जी को बहुत ही मानयोग मंत्री ने कि इन जे सी एच जे बजर वरान पे हुए हैं इन्होंने वाल ध्यान दिता जाए सो जरा मुलाजमन इतने मतलब जी पूरी सुख सहूलत मिल सके तो मुलाजम जरा वा लोगों को पूरा अपना बेनीफिट दे सके। तरन तारण तो रिंपल गोलन की रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब। ताज़ा अपडेट के लिए साड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फेसबुक चैनल को लाइक और शेयर करो।